कहीं फायदा नहीं हुआ यहाँ से, कितने टाइम में फायदा महसूस हो रहा है आपको बताइए। आप दवा भी साथ में ले रहे हैं? नाम बताइए। आपका नाम बताएं? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अंसार मोइनुद्दीन अजमेरी है और मैं सांवरिया चिकित्सालय की यूनानी जो चिकित्सा विभाग है उसके अंदर कार्यरत हूँ। तो मुझे बताएं कि यूनानी पद्धति जो है काफ़ी पुरानी पद्धति है, पहले की यूनानी पद्धति के इलाज में और आज की यूनानी पद्धति के इलाज में कितना फर्क देखने को मिल रहा है? पहले की यूनानी चिकित्सा पद्धति में नब्ज़ देकर के इलाज किया जाता है और सारा ही हर्बल मेडिसिन से इलाज होता था और पहले दवा तजवीज़ उसी हिसाब से की जाती थी। पहले एलोपैथी वगैरह उनका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए सब सारा का सारा इसी से हुआ करता था और वो उस वक्त से कामयाब इलाज होता आ रहा है। आज क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? आज परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है, पहले सिर्फ नब्ज देख के ही ट्रीटमेंट किया कर दिया करते थे पहले के हुक्मा, और आज ये देखने को मिल रहा है कि आज जो प्राचीन जो जदीद जो इसके इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं, जांच के तरीके, उनमें भी उनसे हमें मदद मिलती है। जिस तरह मूत्र की जांच है, पेशाब की जांच, मूत्र की जांच और ब्लड टेस्ट वगैरह, इससे हमें ज़्यादा मतलब इसमें कामयाबी मिल रही है उसे, और सब तरह की जांचों को देख करके फिर इलाज करने में और आसानी हो रही है। क्या है जो टिपिकल रोग होते हैं, इनमें क्या क्या इलाज यूनानी पद्धति द्वारा किया जा सकता है? बहुत से टिपिकल रोग ऐसे हैं जैसे बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति में नहीं हो पाता है। जिस तरह लीवर की प्रॉब्लम्स है, जैसे सिरोसिस ऑफ द लीवर है, या जॉइंट पेन है, या जिस तरह बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स है, जैसे स्किन प्रॉब्लम के अंदर हम कोई भी जैसे एंटी एलर्जिक वगैरह दवा देकर के एलोपैथी में उसको दे देते हैं मगर वो बीमारी दब जाती है, जबकि यूनानी चिकित्सा पद्धति में हम उनको लक्षणों के आधार पर यूनानी इलाज तजवीज़ करते हैं जिससे बिल्कुल मरीज ठीक हो जाता है उसके लक्षणों के आधार पर। उनमें रेस्पॉन्स थोड़ा कम देखने को मिल रहा है क्योंकि इसकी जो मेडिसिन आती हैं वो थोड़ी कुछ कॉस्टली होने की वजह से आम आदमी इसको आसानी से परचेज नहीं कर सकता, खरीद नहीं पाता है, और दूसरा हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आती है वो इतनी नहीं आ पाती कि हम सबको फ्री में मेडिसिन उपलब्ध करा सके। तो इसका क्या है कि मतलब कितना प्रचार प्रसार की जरूरत भी है आज इसमें? हाँ, प्रचार, आपने सही सवाल किया, मतलब इसमें प्रचार प्रसार कम होने की वजह से भी लोगों को इसमें रुझान कम है, लोगों को इसमें जानकारी नहीं मिल पा रही। इसके लिए बेहतर है कि हम थोड़ा शिविर वगैरह का आयोजन किया जाए, इसमें शिविर लगाया जाए यूनानी के, और आगे से भी सहयोग मिले और मेडिसिन अच्छी उपलब्ध रहे पर्याप्त मात्रा में, तो मतलब